नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड में और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमूला। खबरों की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। डंपर की चपेट में आने से युवक की मौत, आक्रोशित लोगों ने डंपर में लगाई आग। उपजिला चिकित्सालय में एक महिला की हुई मौत, डॉक्टर केसी शर्मा पर लगाए गए आरोप। बाजपुर चीनी मिल की बदहाली से किसानों में खासा आक्रोश, किसानों ने चीनी मिल को बचाने के लिए बैठक की आयोजित। भगवानपुर में ऑनलाइन ठगी का खुलासा, आरोपियों के पास से बरामद हुए एटीएम और मोबाइल फोन। और अब खबर विस्तार से। पौड़ी के जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने जिला पंचायत के ही अपर मुख्य अधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। शांति देवी ने बताया कि जब से अपर मुख्य अधिकारी द्वारा पौड़ी में अपना कार्यालय संभाला गया है, तब से उनके कामों में लगातार अनियमितताएं देखने को मिल रही है। उन्होंने बताया कि अपर मुख्य अधिकारी द्वारा प्रशासनिक और विकास के कार्यों के संबंध में ना तो उनसे सलाह ली जाती है और ना ही उनके संज्ञान में कोई बात रखी जाती है, जिसके कारण विकास कार्य लगातार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसी के मद्देनजर उनके द्वारा अपर मुख्य अधिकारी को चेतावनी दी गई और चेतावनी के बाद भी कार्यप्रणाली में बदलाव न करने पर उनकी एक माह का वेतन रोकने के आदेश उनके द्वारा दिए गए थे। जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने कहा, इसके साथ ही अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वयं ही पत्रकार वार्ता कर पत्रकार के समक्ष सदन को धूमिल करने वाले वाक्य उनके द्वारा रखे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे आने वाले समय में जिलाधिकारी के समक्ष उनकी शिकायत लेकर जाने वाली है, जिससे उनकी कार्यप्रणाली पर सुधार लाया जा सके। देखिए, इस संबंध में मेरी अपर मुख्य अधिकारी से भी वार्ता हुई। मैंने उनसे कहा, कई बार कहा, और मैंने पत्रचारिता से माध्यम से भी बात हुई कि भाई आप अपनी मनमानी तरीके से काम मत करो। तो उनके हर बार मेरे बोलने से फिर भी वो अपनी मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं, वो अध्यक्ष को अध्यक्ष नहीं समझ रहे हैं और कभी भी मनमर्जी तरीके से अपने घर छुट्टी चले जा रहे हैं, कहीं भी चले जा रहे हैं। मैंने जब उनसे फोन में भी बात कर रही हूँ तो वो मुझे बता रहे हैं कि मैं ऑफिस में होते हो और कहीं और चले जा रहे हैं। भगवानपुर में ऑनलाइन ठगी करने वाले दो आरोपी को थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से विभिन्न बैंकों के खाता बुक और एटीएम, साथ ही मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। आरोपियों ने ठगी के लिए करीब 200 बैंक खाते खोल रखे थे। रुड़की तहसील स्थित कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए एसपी देहात परविंदर सिंह डोभाल ने बताया कि भगवानपुर एचडीएफसी बैंक शाखा में उनके पास एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिसने बताया कि उनका कोरियर आया है और उसके लिए 5 रुपए ऑनलाइन भेजने पड़ेंगे। फोन करने वाले ने एटीएम की डिटेल भी ली और ओटीपी बताने के लिए कहा। जब उन्होंने ओटीपी नहीं बताया तो उसके खाते से 1-1 लाख करके 2 लाख रुपए काट दिए गए। मामले में मुकदमा दर्ज कर भगवानपुर पुलिस ने अलग अलग टीमों का गठन किया। क्षेत्र से किया गया था, जिसमें पवन कुमार पंजारा जी के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा ओटीपी शेयर के माध्यम से इनसे ठगी करते हुए 2 लाख रुपए अकाउंट ट्रांसफ़र करा लिए गए थे। उस संबंध में भगवानपुर पुलिस ने मुकदमा कायम किया था और इसकी तफ्तीश के बाद अभी 2 लोगों की अरेस्टिंग की गई है और पश्चिम बंगाल हमारी टीम गई है, वहां पर भी और अरेस्टिंग हमारे के द्वारा की जाएगी। खबर बाजपुर से है, जहां चीनी मिल की बदहाली से किसानों में खासा आक्रोश बना हुआ है, जिसके चलते भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने अनाज मंडी के किसान भवन में चीनी मिल को बचाने के लिए बैठक आयोजित की। इस दौरान बैठक में 31 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। आपको बता दें कि बाजपुर की चीनी मिल अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से बदहाली के आंसू बहा रही है, जिसका नतीजा है कि पेराई सत्र शुरू होने के बाद लगातार अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही से चीनी मिल में गन्ने की पेराई सही से नहीं की जा रही है, जिसका खामियाजा गन्ना किसानों को चीनी मिल के बाहर कई दिनों तक खड़े होकर बिताना पड़ रहा है, जिसके चलते भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने चीनी मिल को बचाने के लिए अनाज मंडी स्थित किसान भवन में बैठक आयोजित की, जहां किसानों ने आरोप लगाया कि चीनी मिल की मरम्मत और चीनी मिल को चलाने के लिए आने वाली सामग्री के बिल को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, जिससे चीनी मिल को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा बनाई गई कमेटी चीनी मिल में होने वाले कार्यों पर निगरानी रखेगी और चीनी मिल की दुर्दशा को सुधारने का काम करेगी।
है कि चीनी मिल जो है ये बर्बाद हो चुकी है, इसका वारस कोई नहीं है। हम 10 साल से जो सरकार बनी है सब के पास गए, मेरे पास मेमोरेंडम भी सब पढ़े, ज्ञापन मैंने दिया जो मुख्यमंत्री को सब पढ़े हैं कि इसका बोर्ड बनाओ ताकि फैक्ट्री बना बच जाए, मगर किसी ने बोर्ड नहीं बनाया आज तक। देखो ऐसा है, बाजपुर चीनी मिल हिंदुस्तान की पहली कोऑपरेटिव चीनी मिल है, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 20 सालों से जब से उत्तराखंड बना है इसका बोर्ड ख़त्म हो गया, और इसको अधिकारी और नेतागण जितने हैं सब ने मिल के लूटा है, और आज इसकी ये सिचुएशन है कि करीब करीब 300 करोड़ के कर्जे में है ये। महाशिवरात्रि पर विकासनगर के बाड़वाला में बिना ऑक्शन के ही मेला लगाया जा रहा है। वहीं मीडिया ने पूर्व प्रधानपति बाड़वाला सुभाष शर्मा से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जब हम प्रधान थे तो जो धनराशि मेले में एकत्रित होती थी उसको हम ग्राम पंचायत के खाते में जमा करा देते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है हमें नहीं मालूम। वही प्रधानपति सुभाष शर्मा ने 2019 के दस्तावेज भी दिखाए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो धन मेले से एकत्रित होगा वह ग्राम प्रधान अरुण खत्री और वार्ड मेंबर अपने लिए खर्च करेंगे और वह धन उन्हीं की जेब में जाएगा। आपको बता दें कि यह सब खेल उच्च अधिकारियों और तहसील विकास नगर की मिली भगत से चल रहा है। जैसे ये मेला है, वार्षिक शिवरात्रि मेला लगता है, इसमें आपके जो वसूली की जाती है, इससे पूर्व जब हम रहे हैं पद पर रहे हैं, ग्राम प्रधान के पद पर रहे हैं, तो हम लोगों ने इसमें रुपत्र 7 कटवाए हैं। मतलब जो पैसा उधर से वसूल होता है वो इसको खाते में, ग्राम पंचायत के खाते में जमा किया जाता था। अब तो मुझे पता नहीं है कि क्या होता है। दूसरी चीज रही बात ऑक्शन या नीलामी की, तो उसमें हमने पूर्व में जब हम कार्यकाल उस पर थे, पद पे थे, जब हमारा कार्यकाल था, तो हमने 30/7/2019 को एक ऑक्शन के लिए एप्लीकेशन भी लिखी थी, जो माननीय उपजिला अधिकारी महोदय विकास नगर को प्रेषित भी की गई थी, जिसमें जो हमारे ग्राम पंचायत के जो सचिव थे ग्राम विकास अधिकारी, उनके माध्यम से वो लेटर दिया गया था ऑक्शन के लिए। उसके उपरांत कोई ऑक्शन नहीं हुआ उसका। विकास नगर के उपजिला चिकित्सालय में एक महिला का 4 दिन पहले रसोली का ऑपरेशन हुआ था और महिला उपजिला चिकित्सालय में 4 दिन से भर्ती थी, वहीं अचानक उसकी मौत हो गई है। आपको बता दें कि परिजनों का रो रो कर बुला हाल है और परिजनों ने डॉक्टर केसी शर्मा के खिलाफ आक्रोश भी जताया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर केसी शर्मा 7500 रुपए उनसे मांग रहे थे। मृतका के परिजनों ने उपजिला चिकित्सालय में हंगामा किया और डॉक्टर को मौके पर बुलाने की मांग की। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। वहीं डॉक्टर विजय ने बताया कि महिला की मौत हार्ट अटैक से हुई है। अभी मैं आया हूं तो इन्होंने बताया है कि उन्होंने कुछ पैसे मांगे थे जी। वो इस विषय में इन्होंने पहले मुझे बता होता तो हम उनसे पहले ही वो करते, पर यहाँ पे सभी सुविधाएं फ्री मिलती हैं और कोई पैसा नहीं पड़ता है मरीज का। अगर उन्होंने कोई पैसे की मांग की है तो उसके विरुद्ध उनकी जांच की जाएगी और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में दर्दनाक हादसों का सिलसिला जारी है, जहां थाना सहसपुर क्षेत्र के सिमला बाईपास से बड़े हादसे की खबर मिली है, तो वहीं शेरपुर में एक बेकाबू डंपर ने स्कूटी सवार युवक को रौंद दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी डंपर छोड़कर फरार हो गया है, जबकि हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने डंपर को आग के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि युवक की पहचान गोपाल निवासी शेरपुर के रूप में हुई है। युवक की मौत से क्षेत्र में कोहरा मचा हुआ है। गौरतलब है कि शिमला बाईपास पर तेज रफ्तार खनन के वाहनों का कहर नहीं थम रहा है, लगातार हादसों की खबरें सामने आ रही हैं। फिलहाल उत्तराखंड की खास खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड के मुद्दे, रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक, और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा। देवभूमि के बारे में देवभूमि के वासियों के साथ सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर, खबर उत्तराखंड की।